प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दंगा रोकने में मौजूदा सरकार विफल रही है। जहां तक हरिजनों, आदिवासियों और कमजोर वर्गों पर आफत की बात है, कुछ पूछिए मत। जैसे 32 दांतों के बीच बेचारी जीव रहती है, वैसे ही वे लोग राज में रह रहे हैं। यह आवाज असहाय और शोषित वर्ग के हितों के महायोद्धा कर्पूरी ठाकुर की है, जो बिहार के मुसहर टोली से लेकर विधानसभा तक लगभग आधी सदी तक गूंजती रही। बिहार में तो आम बात हो गई है नरसंहार की, तो जब भी नरसंहार की जहां भी कोई घटना होती थी तो मैं तो चकित हो जाता था कि कर्पूरी ठाकुर वो नरसंहार को देख कर लौटते रहते थे, मैं जाता रहता था। वो हमसे भी बहुत तेज आगे बढ़ गए थे और आम आदमी की तरह आम लोगों के लोग जो गांव में रहते हैं या शहर में हो, उनके घरों में जाकर वो उनके प्रतिनिधि तुरंत बन जाते थे। राजनीति उनकी मूल मुख्य प्रेरणा नहीं थी, उनकी मुख्य प्रेरणा थी सेवा। गरीबों के प्रति वो इतने संपृक्त थे कि और चीज़ें जो इंटेलेक्चुअली बहुत बातें हो उसकी ओर उनका बहुत दिलचस्पी नहीं। कर्पूरी ठाकुर का चैम्बर गरीबों से भरा रहता था, जिससे अफसर लोग कहा करते थे कि ये क्या लक्ष्मी बाबू तरीका है कि सब चीफ मिनिस्टर के कमरे में बैठा रहता है। मैं एक बार आपको कहानी सुनाता हूँ, मैं गया सर्किट हाउस में था, 71 में कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे। जब कर्पूरी जी खाना खाने लगे तो उन्होंने हमसे कहा कि जो ड्राइवर है, जो क्लास 4 इम्प्लॉइज मेरे साथ है, सबको ले आए। वो सबके साथ बैठ के खाते थे। और एक कलेक्टर था, उसने कहा कि यह क्या तमाशा है कि सब चीफ मिनिस्टर के साथ खाएगा। हम कहा कि चीफ मिनिस्टर खाना चाहता है सबके साथ, आप कैसे रोकिएगा। और वह कलेक्टर बहुत नाराज हुआ हमसे। बाद में हमने कर्पूरी जी को कहा कि इस तरह से कलेक्टर आपका बोलता है। कहा कि उनको बोलने दीजिए, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। ये कहा उस कलेक्टर ने हमसे। तो कर्पूरी जी जहाँ रहते थे सबको समान भाव से देखते थे। यही कारण है कि लोग उनसे चिपके रहते थे, जाते रहते थे, लोग भूलते नहीं थे कर्पूरी जी को। और कोई जाता भी था तो समझता था कि हम जाएंगे तो जरूर हमको न्याय मिलेगा या हमारे लिए कर्पूरी ठाकुर जरूर लड़ेंगे। इतने बड़े राजनेता होने के बावजूद अगर कोई बहुत छोटा कार्यकर्ता, मैंने बहुत ही छोटा कार्यकर्ता भी अगर कोई सही बात उनको कहता था तो उसको स्वीकार करने में उनकी गलतियों की ओर भी लोग उनको बताते थे कि आपकी ये भूल है। और उतना बड़ा नेता होने के बावजूद वो एक सेकंड के अंदर वो इसको स्वीकार करते थे कि यह भूल हमसे हुई। या छोटे कार्यकर्ताओं की बात भी वो उतना ही तन्मयता से सुनते थे जितनी कि बड़े नेताओं से वो गंभीरता से बात करते थे। कर्पूरी ठाकुर जैसा व्यक्ति बरसों में नहीं, कर्पूरी ठाकुर जैसा व्यक्ति युगों में पैदा लेता है। कर्पूरी ठाकुर के नाम से बिहार नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों शोषित, दलित, पीड़ित और निर्धन लोग थे, उनके अंतरात्मा में प्रेरणा की रोशनी जगती थी। गांव और गवई की जो राजनीति है, जो गरीब आदमी की राजनीति है, जो पिछड़ा दलित सामाजिक अन्याय से जूझता हुआ इंसान है, जो तात्कालिक जुल्म के खिलाफ खड़ा होने वाला नौजवान है, उसके लिए तो कोई आदर्श, कोई चेहरा सामने नज़र नहीं आता। कर्पूरी जी बिहार में खड़ा होते थे और हिंदुस्तान की राजनीति बिहार में नज़र आती थी। बिहार की आवाज़ कर्पूरी जी से निखरती थी। आज बिहार की आवाज़ राजनीति में है क्या? करोड़ों बेजुबान लोगों की आवाज़ बन चुके दलितों की इस मसीहा की जीवन यात्रा 24 जनवरी 1921 से शुरू होती है। बिहार के समस्तीपुर जिले के इस पितौझिया गाँव के नाई गोकुल ठाकुर के दो पुत्रों में से एक हैं कर्पूरी ठाकुर, जिनका पालन पोषण बहुत ही विपन्न स्थिति में होता है। पितौझिया ताजपुर रोड से 6 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। यहां रेलवे स्टेशन भी है जहां महत्वपूर्ण गाड़ियां नहीं रुकती। आखिर छोटा सा गांव जो है यह मात्र 2500 घरों का, जिसमें 2/3 सवर्ण राजपूतों की आबादी है, 1 हरिजन टोला है और 3 घर ब्राह्मणों के भी। कर्पूरी ठाकुर का बचपन इसी गांव में बीतता है और पुश्तैनी पेशे से अलग आरंभिक शिक्षा दीक्षा भी यहीं शुरू होती है। बाद में तिरहुत अकादमी समस्तीपुर में अगली पढ़ाई के लिए कर्पूरी ठाकुर करीब 5 मील रोज पैदल दूरी तय करते हैं। इसके बाद CM कॉलेज दरभंगा में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कर्पूरी जी को ट्यूशन करना पड़ता है। आदमी में जब सत्ता मिलती है, जब पावर मिलता है तो बहुत परिवर्तन हो जाता है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर में ऐसा कुछ कुछ नहीं,
समझ हो ही नहीं एक समाना बहुत वैसी के वैसी कपूरी था का उनका तो कपूरिए कहता है हम तो आपको आगे में कपूरी ठाकुर कहते हैं उनका अरे कपूरी आई काम तुरंत करता था। आपको कैसा लगता होगा उस समय? उस समय तो हमको लगता है अपना समांग है हुकुम मानने है आज्ञाकारी है। लेकिन कर्पूरी जी छोटी जाति के थे और राजपूतों की बस्ती में रहते थे तो कर्पूरी जी के उन्नति से कर्पूरी जी की प्रगति से बड़ी जात के लोग उनसे दूर नहीं रहते थे या नफरत नहीं करते थे? कुछ नहीं एकदम सटा हुआ था कुछ भी फर्क नहीं आज तक हुआ है न होगा अभी भी नहीं होगा क्योंकि वो तो हम लोगों का बीच में है वो भी तो हम लोगों का इज्जत ही न है। कर्पूरी ठाकुर जी राजनीति में आने के बाद और मुख्यमंत्री होने के बाद संपन्नता आई उनके घर में पैसे रुपये आए कि नहीं आए? रुपया पैसा तो हम लोग नहीं देखा वही घर वही द्वार है तो कुछ प्रकट होता तब ना हम लोग देखते रुपया पैसा हम नहीं देखा उसको कुछ जिस रूप में था उसी रूप में रह गया अपना जिंदगी भर कोई परिवर्तन नहीं है कुछ परिवर्तन नहीं ये कैसे विश्वास किया जाए? अब सो तो आप लोग जानिए लेकिन हम लोग तो कहेंगे देख वही घर है उसका। अपना नाम है राम सुभाष ठाकुर कर्पूरी जी का छोटा भाई। ये कौन है? ये हमारे पत्नी है। आप जब होश संभाले जी तो उस समय कर्पूरी जी पढ़ रहे थे कितने छोटे हैं आप कर्पूरी जी से? हम छोटे हैं एक हमसे बड़े बहन थे वो बहन से हम छोटे हैं। आप कितने भाई बहन थे कर्पूरी जी? हम छह दो भाई थे छह बहन थे। पिताजी का क्या नाम था? गोकुल ठाकुर। तो आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए? नहीं हम नहीं किए पढ़ाई लिखाई यहाँ भाई साहब के उसमें पढ़ने लिखने से यहाँ बाबूजी आर का सहयोग करने लगे। पढ़ने का मन नहीं किया था आपको? पढ़ने का एहनों का मन नहीं करता है। फिर क्यों नहीं पढ़े? नहीं पढ़े या जब फंस गए खेती गृहस्थी में अपना काम में इसलिए नहीं पढ़े। कर्पूरी जी राजनीति करते थे? हाँ राजनीति करते थे। राजनीति को जब समस्तीपुर पढ़ने लगे तिरुपति अकेडमी में हाई स्कूल में तभी से वो राजनीति में करते थे और जब यहाँ लोग मिडिल स्कूल में यहाँ रख दिए गए लोग जब जेल उल से आए तब तब भी वो मास्टरी भी करते थे शुक्र शनिचर के करते थे स्कूल और राजनीति में निकल जाते थे फिर संवार के वो आते थे। आपको खराब नहीं लगता था कि एक भाई राजनीति कर रहे हैं और हम खेती में लगे हुए हैं? खराब और फिर नहीं यहाँ चलने वाला था तो फिर क्या करेंगे? आप कहते थे कर्पूरी जी से कि हम नहीं करेंगे खेती पढ़ेंगे लिखेंगे? उनको ना भी पढ़ा लिखाया नौकरी चाकरी के लिए भी कहे तो वो कहते थे कि यहाँ कौन करेगा यहाँ कौन देखेगा कहते थे। उनकी बात आप खुशी से मानते थे कि मजबूरी में? खुशी से मानते थे कि मजबूरी में क्या मानेंगे मजबूरी तो अब समय खत्म कटिए रहा था तब पढ़ने लिखने का तो समय कट गया था बच्चेपन से तब अब मजबूरी ये बुझिए या जो बुझिए। घर का खर्चा कौन चलाता था आपके? अपने खेती गृहस्थी से चलाते थे कर्पूरी जी। कुछ घर में कुछ नहीं कुछ सहयोग नहीं करते थे यहाँ तक कि जो उनको बहुत साथी लोग आते थे
तो वो कहते थे कि हाँ कोई जोड़ने चितने का जो बना रहा है सो खिया दो, जोड़ने चितने का कोई जरूरत नहीं है। कर्पूरी जी की राजनीति में घर से भी पैसा लगता था क्या? राजनीति में पढ़ने लिखने में पैसा लगा था। अच्छा, इसके बाद जब खड़ा उड़ा हुए थे MLA के लिए तब घर से कहाँ से होगा, चंदे चुटकी से काम चलता था। कर्पूरी जी तो बहुत दिन तक राजनीति में रहे और एक मंत्री भी रहे, दो दो बार मुख्यमंत्री भी रहे, उसके बाद भी आप लोगों का घर द्वार देखने पर लगता है कि भी आप लोगों की गरीबी गई नहीं है। वो करना ही नहीं देते थे तो क्या करें, बहुत उनको साथी भी कहता था ठाकुर जी घर बनाइए, रोक देते थे। क्यों? अब उनको मर्जी। आप कभी चर्चा नहीं करते थे? बहुत लोग हमारे ऐसे बहुत लोग उनको साथ ही चर्चा करते थे। कितना खेत है आप लोगों के पास? हमारा 5-6 बीघा होगा। उसमें पूरा खर्चा चलता है? हाँ चल जाता है। शुरू से? हाँ शुरू से। कभी पैसे की तंगी नहीं हुई? ना पैसे का तंगी क्या, अब पैसा के तंगी हो जाता है तो गांव में लोग तो बहुत उलट पुलट बड़का से बड़का करते हैं। पैसा धन तो बहुत के होता है मगर नाम कोई कोई कमाता है। कर्पूरी जी बहुत बड़े नेता थे, कर्पूरी जी के भाई हैं आप, दुनिया भर कहता रहे जी आपके दरवाजे पर बड़े बड़े नेता आके चले जाएं जी, और आप टूटी हुई झोपड़ी में रहे जी, आपके घर में कोई कायदे का सामान नहीं हो जी, तो ये आपको अच्छा लगता है? पूर्ति कम, पुराने वाले भगवान है, समय पर जो जुड़ता है से पूर्ति होता है। आपको कभी अफसोस नहीं हुआ कि भाई जी? कोई अफसोस नहीं हुआ, कोई अफसोस नहीं। आपको कैसा लगता है? अब जिना रख लखिन ठाकुर जी तेना हमें और होती है, अब हमारे को उतना न होते तो हमें और केना को निमन कपड़ा पहनो या निमन बर बिछौना पर रहे चाहे निमन घर में रह। ठाकुर जी कहते नहीं थे आप लोग? कहे वाला सब कहबे करते रहे नन की कब थी तो जे माय रहती तो माइयो कहती बउआ एगो घर बना दी तरह निमन से मेघबुनी में रहती रह, तो कहती माय तू अपन सुख जनई छ जैसे दुनिया में आनंदी में रहे खुशी में रहे सुखित में रहे तभी तू जनिया जे हम सुखित में होती, अपने खाल पे लोग न जने छे सुखित। क्या तकलीफ है अभी आप लोगों को यहाँ पर? तकलीफ तो कुछ के नहीं है, एक जे घर द्वार न है, घर द्वार में मेघ बुनी अब ये भिज कर भंसा करे चाहे नहीं भंसा हो, सुते बैठे में दिक्कत हो जाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में खाना नहीं बनता? खाना भी ना बने। क्यों? अब ऊपर से चुआई छाए नीचा भिजाई छाए जैसे अंगना बरसल तेना घर से बरस, खाना केना बनते? उस समय मन को दुख नहीं होता है? दुख केना ना दुख होता है, दुख तो होबे करे छे, तब की कल जाते है। क्यों ठाकुर जी? जी जिस समय पानी और बारिश होती है आपका घर टूटा है? हम लोग का घर टूटा पड़ा हुआ है, हम लोग का कोई उसको गम नहीं रहता है, पानी बरसे अच्छे हुए हम लोग का रियाज हुआ हुआ है। जो ठाकुर जी के जिंदगी में जब न सुखित भेल है घर द्वार से तो आप तो जानिए को जनत छी जी आप। जब हमारी सास उनको बोली कि आप इसको घर क्यों नहीं बना देते हैं अच्छा से, बहू लोग आएंगी रहेंगी तो कैसे इसमें गुंजाइश होगा, हम तो जीवन काट लिए, तो कहे जैसे तुम रहती हो उसी तरह ये लोग भी रहेंगी इसमें। वो मन मार के रहती थी जैसे कोई चीज़ की कमी हुई, किसको नहीं घूमने की इच्छा होती है, तीर्थ यात्रा करने की इच्छा होती है, लेकिन कभी वो तीर्थ यात्रा नहीं की, शौक ही उनको रह गया कि बाबू जी के साथ हम कहीं घूमने जाते या कहीं ऐसे तीर्थ यात्रा करने जाते, कभी नहीं सोच सकते। कभी बीमार भी पड़ जाती थी तो हम लोग रिक्शा से लेकर हॉस्पिटल जाते थे। गाड़ी वो अपने कहते थे कि सरकारी गाड़ी घर के यूज के लिए नहीं होता है। कर्पूरी जी अध्ययनशील थे बचपन से ही, मैट्रिकुलेशन पास करने तक उनको हमने समय समय पर पढ़ाया, अंग्रेजी की विशेष योग्यता उन्होंने मेरी पढ़ाई से हासिल की, उस समय बोलबाला था अंग्रेजी के पढ़ाई की, तो जब वो कॉलेज में गए तो उस समय से भी हमारा संबंध उनके साथ ठीक रहा। जब उन्होंने IA पास करने के बाद थर्ड ईयर में पढ़ना शुरू किया तो राजनीतिक चक्र चला, राजनीतिक चक्र की वजह से
जैसे सभी वकील लोगों ने, विद्यार्थी ये लोगों ने और कहाँ कहाँ के लोगों ने जिस तरह से छोड़ दिया अध्ययन, उसी क्रम में कर्पूरी जी ने भी अपना अध्ययन छोड़ दिया। अध्ययन छोड़ने के बाद जब थर्ड ईयर में पढ़ाई छोड़ करके चले आए, उस समय में मैं यहाँ मिडिल स्कूल में प्रोमिनेंट मेंबर था, सेक्रेटरी हमारे ग्रामीण थे लक्ष्मी नारायण सिंह, और मैं उस कमेटी का एक प्रमुख मेंबर था। कर्पूरी जी ने मुझसे कहा कि अब मैं बीए पास कर लूँगा, आप मुझको रखिए हेडमास्टर में। हम लोगों ने वैकेंसी क्रिएट कराई और उनको रखा। इसके बाद जब आंदोलन शुरू हुआ डू और डाई का, तो उन्होंने प्रोग्राम के हिसाब से उन्होंने कांग्रेस का काम शुरू किया, तोड़फाड़ का काम था, आधारपुर में जाके तोड़ा पुल। इस सिलसिले में जब ब्रिटिश सरकार की तरफ से जब धड़ाधड़ी पकड़ा पकड़ी हुई, तो उसमें पकड़ा करके वो चले गए जेल। वहाँ जाने के बाद कुछ दिनों के बाद उनको रखा गया अटेंडेंट में, जहाँ के श्री कृष्ण सिंह थे, राजेंद्र बाबू थे, सत्यनारायण सिंह थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, उनके अटेंडेंट में वो हजारीबाग में रखे गए। प्रारंभिक जीवन में जेल में वो थोड़ी सी उनको घबराहट हुई, लेकिन इसके बाद उन्होंने मुझको पत्र द्वारा सूचित किया कि हमारे लिए अब आपको कोई प्रयास नहीं करना है, आई फील क्वाइट ऑल राइट हियर। हमको संतुष्टि हुई कि लड़का ठीक है। इसके बाद दो साल उन्होंने वहाँ गुजारा। दो साल गुजारने के बाद जब कॉम्प्रोमाइज हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से ख़त्म हो गई बात, तो वो आए घर पर और उन्होंने कहा कि वासुदेव बाबू आप चलिए, मुजाना पोखर पर मीटिंग है, आपका रहना ज़रूरी है, आप चलिए। वहाँ लगभग 2000 आदमी इकट्ठा थे, वहाँ जाके उन्होंने सभा की। उस सभा में अध्यक्ष का काम मैंने ही किया और उनका भाषण इतना सुंदर हुआ कि वहाँ उपस्थित लोग जितने थे बहुत प्रभावित हुए। तब से वो एकदम से नेता के रूप में गिनने जाने लगे। वो वॉलंटियर क्लास में कभी नहीं रहे, वो नेता क्लास में गए और उनके लिए प्रोग्राम बनता रहा कि कर्पूरी जी का भाषण होगा। और बड़ी श्रद्धा के साथ, उनको ऊंच नीच का विचार कुछ नहीं था, उनके लिए सब समान थे। आज श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जिस सामाजिक न्याय के लिए बात कर रहे हैं या कर रहे हैं, उसको कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सामाजिक न्याय के प्रति कर्पूरी जी बहुत पहले से जागरूक थे और उनके दिल में हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती थी कि किस तरह से गरीबों को, पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलावें और उनके साथ कोई अन्याय न हो और उनका जल्दी से जल्दी उत्थान हो। कर्पूरी जी के जीवन व्यवहार ऐसे थे, वो चाहते थे पिछड़ी जाति के पिछड़ापन दूर करने के लिए ऊपर जात के लोगों का समर्थन हमको मिले, इसलिए उनके मित्रों में बहुत बड़े समुदाय ऊंची जातियों के हैं। वो इस बुनियाद को जानते थे कि ऊपर जात के लोगों का अगर समर्थन मिला तो पिछड़े जात को लिए अगर कुछ काम किया तो डिवाइसिव फोर्स, विभाजित करने वाली शक्तियाँ उत्पन्न ही नहीं होंगी। आज भी जो लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग चीफ मिनिस्टर हैं, कुछ लोग केंद्र के मंत्री हैं, जब हम समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि अच्छा हमारी संख्या हम कुचल देंगे बुलडोजर से, तो हम समझते हैं वो कर्पूरी जी के विपरीत बोल रहे हैं। उनका जन्मदिवस तो भले मना लें, कर्पूरी जी कभी कुचलने की बात नहीं करता था। कर्पूरी जी एक ऐसे शख्सियत थे जिनको प्रशंसा और आलोचना करने वाले लोगों की बड़ी संख्या थी, और इसलिए मैं मानता हूँ कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के वो एक अगुआ नेता के रूप में याद किए जाएंगे। मैं इस रूप में उनको देखता हूँ, मैं उनको कोई पिछड़े के नेता के रूप में कतई नहीं देखता। और मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जाति प्रथा जो हजारों साल से स्थापित है और जिसने न जाने कितने संगठन और समूह राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों को निगलने का, उद्रस्त करने का काम किया है, उससे जब कोई व्यक्ति लड़ने का काम करेगा, जब किसी सामाजिक रूप से पिछड़े हुए समूह को आगे लाने की बात करेगा, तो स्वाभाविक तौर पर इस तरह की बात उठेगी। कर्पूरी ठाकुर को वो जाति का आधार नहीं था, अन्य नेता जाति के बल पर राजनीति करते थे, कर्पूरी ठाकुर समाज के बल पर राजनीति करते थे। इसलिए कर्पूरी ठाकुर का व्यक्तित्व अन्य नेताओं के व्यक्तित्व से भिन्न था। समाज के सभी वर्ग, सभी समुदाय और सभी जाति में
कर्पूरी ठाकुर की पहचान थी और सभी वर्ग और समुदाय के में के लोग कर्पूरी ठाकुर को प्यार करते थे। समाजवादी आंदोलन में काम करने वाले ऊंची जाति के लोग भी थे जो कर्पूरी ठाकुर के साथ थे, जैसे कपिल देव सिंह, रामातार शर्मा, राजेंद्र शर्मा, वशिष्ठ नारायण सिंह, रामाकांत झा, ये तमाम लोग कर्पूरी ठाकुर के साथ काम कर रहे थे जो ऊंची जाति के थे। लेकिन उन ऊंची जाति के लोगों को भी अपनी जाति के लोग बुरा भला कहा करते थे, इसलिए कि गरीब के लिए लड़ना, दलित शोषित के लिए लड़ना उद्देश्य था। और इसके कारण जो समाज में निहित स्वार्थी वर्ग के लोग थे या संपत्तिशाली लोग थे या वैभवशाली लोग थे, वो कर्पूरी ठाकुर की छवि को धूमिल करने के लिए कहते थे कि वो केवल पिछड़ों के नेता है, जबकि वो पिछड़ों के नेता नहीं थे। कर्पूरी जी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शरीक होते हैं, 1947 तक जेल जाने का क्रम चलता है और पहली बार 1952 में बिहार विधानसभा के विधायक के रूप में चुने जाते हैं। उसके बाद मृत्यु तक वह बिहार विधानसभा का कोई भी चुनाव नहीं हारे। 1970 में कर्पूरी ठाकुर पहले समाजवादी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। जिस समय चीफ मिनिस्टर बने, जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ चीफ मिनिस्टर हो गए, तो सुबह जाना था उनको शपथ लेने के लिए, उस समय तो कर्पूरी जी को उसी तरह ड्रेस में चलने लगे, तो हमको हुआ कि हम एक दिन पहले से एक दुकान में जाके बोले हैं कि भाई कर्पूरी जी के धोती कुर्ता है, इसको जरा जल्दी आज ही शाम को चाहिए, तो शाम को हम धुला के रख दिए। जब जाने लगे वोट लेने के लिए चीफ मिनिस्टर के लिए, तब हमको हुआ कि जे कर्पूरी जी इस तरह जा रहा है, बाल भी नहीं झाड़े, कपड़ा भी नहीं बदले, किसी तरह जा रहा है वोट लेने के लिए। तब लक्ष्मी साहू जो है उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनको हमने कहा है कि लक्ष्मी बोलिए कि कर्पूरी जी ये ड्रेस बदल ले। तो लक्ष्मी बहू तो गए कहने के लिए, तो लक्ष्मी को डांट के भगा दिए, बोले नहीं नहीं मैं कपड़ा उपड़ा नहीं बदलता हूँ, चलिए। तो लक्ष्मी आए, मुझे भाभी नहीं कपड़ा बदल रहा है, तो हम खुद गए उनके पास लेके जी आप कपड़ा थोड़ा बदल लीजिए। तो वो बहुत कार्टियस आदमी थे, बहुत कार्टियस थे वो, कोई लेडी कोई बात कह दे, लेडी लोगों के लिए तो बहुत ही कार्टियस थे। तो तब चूंकि हम कह दिया इसलिए बात को मान लिया, इस चले गए ये करने के लिए बदल उदल के होती है इतना। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई गाड़ी नहीं है, कोई सवारी नहीं है, उन्होंने हमसे कहा हाँ के स्कूटर छे अपने भाषा में, तो हम कहा हाँ है, तो चलो वहाँ के स्कूटर पर हम चले जी, और पीछे स्कूटर पर बैठ गए। एकाध बार तो ऐसा हुआ कि स्कूटर पर उनको बैठने की बहुत कम आदत थी, तो दोनों हाथ इस तरह पकड़ के वो बैठते थे, तो एक बार चप्पल उनका गिर गया रास्ते में ललित भवन के पास बेली रोड पे। तो हम चले जा रहे थे, हमको क्या पता था कि उनका चप्पल गिर गया। जब 10 कदम आगे बढ़े तो कहीं कि हमें चप्पल गिर गए, तो फिर हम घुमा के लाए, वो उतरे, अब वहाँ भीड़ लग गया कि कर्पूरी जी स्कूटर पर घूम रहे हैं। तो ये सब जो उनका था, तो ये हर उनका व्यक्तित्व का हर पहलू जो है वो अपने आप आकर्षित करता था उनके प्रति लोगों को। 1977 के आम चुनाव में मैं कर्पूरी जी का संसदीय सचिव रहा और कर्पूरी जी की विश्वसनीयता मेरे ऊपर अत्यधिक थी। उन्होंने मुझे गृह विशेष विभाग और योजना विभाग का दायित्व सौंपा, जो उस समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण विभाग था। और इन दिनों कर्पूरी जी की प्रेरणा से बिहार में जितने भी नक्सल बंदी जो बंद थे उन दिनों, जिसमें आज के संतोष राणा जो अभी पश्चिम बंगाल में विधायक भी हैं, मेरी टेलर जो इंग्लैंड की एक बंदी यहाँ थी, उन दिनों हजारीबाग में बंद थे, इन सभी लोगों को कर्पूरी जी ने, चूँकि वो हिंसा के विरोधी थे, लेकिन गरीब निर्धन लोगों की आवाज़ को जो लोग उठाते थे उनकी तरफदारी और उनकी वकालत कर्पूरी जी अत्यधिक किया करते थे। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निर्णय लिया कि इन लोगों को छोड़ना चाहिए और अनेक बंदियों को, नक्सल मूवमेंट में जो अनेक बंदी केंद्रीय कारागार में थे, बिहार के विभिन्न केंद्रीय कारागारों में, उन सभी लोगों को कर्पूरी जी ने छोड़ने का काम किया। हालांकि उस समय की जो नौकरशाही थी उसने काफ़ी इसका विरोध किया, लेकिन कर्पूरी जी उनकी देशभक्ति से प्रभावित होकर और गरीबों
की आवाज जो वो उठाते थे उससे प्रभावित होकर उन्होंने नक्सलाइटों को छोड़ने का काम किया। हमारे बताने का जो यह तात्पर्य है कि वो एक योद्धा के रूप में गरीब लोगों के हिमायती थे। आज जो बिहार प्रदेश की स्थिति है, इस स्थिति में आज के संदर्भ में अभी आप यह पाएंगे कि नक्सलवाद का जोर बढ़ रहा है, यानी हिंसा अत्यधिक बढ़ रही है। जब तक कर्पूरी जी जीवित रहे, इस बिहार प्रदेश में उनकी सक्रियता रही, बिहार में नक्सलवाद का प्रभाव ज़्यादा जड़ जमा नहीं सका। आज तो कर्पूरी ठाकुर की कमी को लोग महसूस कर रहे हैं। आज आरक्षण का मामला आया, आरक्षण का मामला हुआ जब 78 में कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया तो सारे बिहार के लोगों ने उसका विरोध किया, और जब जनता दल की सरकार ने लगाई आरक्षण तो अब समूचे देश के लोग कह रहे हैं कि जो कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला था वही अच्छा था, लगता है ये आज लोग महसूस कर रहे हैं। 19 अप्रैल 1979 को जब वो मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए चुनाव के द्वारा, तो वो गीत गाते रहे और कहते रहे कि मैं जैसा था वैसा हूँ, चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता है, जितना मैं जनता के लिए कर सका नहीं रहने के बावजूद भी एक जनता के प्रतिनिधि के रूप में उनकी समस्याओं को निदान करने में तैयार रहूंगा। सचमुच में वो आम आदमी के आदमी थे और झोपड़ी में पैदा लिए और मुख्यमंत्री भी बने और बड़ा से बड़ा पद पर भी वो गए, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लिए अपने लिए कोई चिंता नहीं की। उन्होंने विश्व कुटुंब कम हो पूरा विश्व को अपना परिवार, पूरे देश को अपना परिवार, गरीबों को अपना परिवार समझा। यही कारण है कि आज भी जो जहां वो जन्म लिए थे पितौधिया गांव, आज भी झोपड़ी के रूप में अवस्थित है। और उन्होंने जो राह दिखाया उस राह पर चलने वाले हम राही हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी रहा नहीं, 52 में चुनाव हुआ उसके पहले महात्मा गांधी चल बसे। 67 में जब देश में बदलाव हुआ डॉक्टर लोहिया आए, और जब डॉक्टर लोहिया देश को कुछ देते गैर कांग्रेसवाद से तो डॉक्टर लोहिया उठ गया, और कर्पूरी ठाकुर भी एक ऐसे क्षण में उठ गए जो आज लोगों को, बिहार के लोगों को और देश के लोगों को बुझा नहीं रहा है कि हम क्या करें। और पर्टिकुलरली इतनी बड़ी शून्यता है, इतनी बड़ी शून्यता है कि इसको कोई पाट नहीं सकता है। आज हर लोग कर्पूरी ठाकुर का एब्सेंस महसूस कर रहा है, चाहे सचिवालय का क्षेत्र हो, अफसर का क्षेत्र हो, गरीब का क्षेत्र हो, कहीं वो सब लोग उनकी याद कर रहा है, छटपटा रहा है। और जिस दिन कर्पूरी ठाकुर जी मरे थे, मैं आपको कहूँ यही सुबोधकांत सहाय जी हमसे बांसघाट पर मिले, पहले उनसे झगड़ा रहता था, वो लोक दल में भी नहीं थे, सैद्धांतिक झगड़ा रहता था, लेकिन हमसे कहा सुबोध जी ने कि लक्ष्मी जी अब कौन बचा जिसके पास हम जाएंगे, झगड़ा भी करेंगे विरोध भी करेंगे लेकिन बाप की तरह हमारी हर तरह से मदद करेगा। वो आदमी अब नहीं है बिहार में कोई किसी की सुनने वाला। आधी सदी तक अपनी शर्तों पर अपनी राजनीति करने वाला झोपड़ी का लाल 17 फरवरी 1988 को कपा गया, रुला गया दोस्तों को भी दुश्मनों को भी, और छोड़ गया राजनीति के विशाल आंगन में एक अपूर्णीय सन्नाटा।